हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्शल टेक में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइबर प्लान की, जो कि पूरी तरीके से लॉन्च हो चुका है। मगर ये एक छोटा सा आपको मैसेज देना था, कुछ बताना था आपको कि ये जियो का जो प्लान है ये 5 तारीख को लॉन्च तो हो गया, मगर अभी इतनी जगह पूरी तरीके से नहीं फैला है ये, क्योंकि ये तार वगैरह इनको जो बिछाने, इनकी वायरिंग वगैरह करने में वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर हमारा एंटरटेन देखने को मिल सकता है, तो ऐसा भी कुछ पता चला है। तो आई होप के मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सस्ता प्लान है, बहुत सस्ता। जो हम वाईफाई लगवाते हैं उसका मंथली लेते हैं, फिर टीवी का जो एंटरटेन हम जो कर पाते हैं उसका मंथली हमारा अलग जाता है, फिर बैलेंस वगैरह अदर जो भी है वो सब कुछ हमारा, काफ़ी सब कुछ हमारा बचने वाला है, वो सिर्फ एक ही प्लान में हमारा सिमट के रह जाएगा। तो इसके अंदर मिनिमम सर्विस क्या है कि 699 की है, यानी 699 रुपये के अंदर हम सारा मज़ा ले सकते हैं, जो कि अपना टीवी चला सकते हैं वहाँ पे, हर चैनल का मज़ा ले सकते हैं, उसके अंदर जो पिक्चर जो रिलीज़ होगी उसका हम फर्स्ट डे में ही मज़ा उठा सकते हैं। जी हाँ, फर्स्ट डे के अंदर हम मज़ा उठा सकते हैं, तो हमें थिएटर में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो हम अपने घर पर बैठे बैठे अपना एंटरटेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ अभी पता चला है। और जो कि इंटरनेट हमारी जो स्पीड होने वाली है वो 100 MBPS की हमारे को स्पीड मिलने वाली है, जो कि 100 MBPS बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसमें हम आपको जिसमें तकरीबन ये लगा लो 6 से 7 डिवाइस ऐसा कुछ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, 6-7 हम डिवाइस अपना चला सकते हैं, जिसमें हमारे को लैंडलाइन भी मिलेगा, और लैंडलाइन पे हमारी जो इंडिया के अंदर जो भी हमारे सर्कल में जो कॉलिंग्स हैं वो कॉलिंग सब कुछ फ्री होने वाली हैं, तो कॉलिंग का भी हम मज़ा ले सकते हैं, और इंटरनेट का है वो भी मज़ा ले सकते हैं, साथ में ऑनलाइन गेमिंग पबजी वगैरह ये सब हम ऑनलाइन खेल सकते हैं, अपने टीवी के अंदर ही मज़ा ले सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन के अंदर वाईफाई से कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा ये इंटरटेन करने का हमारे को मौका मिलेगा, और काफ़ी हमारा जो बजट है वो सेव भी हो रहा है, पैसे हमारे सेव हो रहे हैं। तो इधर उधर जगहों पर जैसे हम अलग अलग रिचार्ज कराते हैं वो हमें कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा मंथली पैक रिचार्ज होना है। और जो कि अभी तक ये पता लगा है कि इसको लगवाने के लिए हमारे को 2500 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 2500 रुपये हमारे को स्टार्टिंग फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी, 500 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस है, और 1000 रुपये रिफंडेबल होता है, और 1000 रुपये आपका इंस्टॉलेशन चार्जेज जो कि नॉट रिफंडेबल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि 2500 में बेटर है, बस ये स्टार्टिंग में हमारे को 2500 रुपये देने हैं, फिर जो आप जैसा प्लान लेंगे 699 रुपये का, तो फिर आपको वो मंथली के मंथली पे करने पड़ेंगे 699 रुपये, सिर्फ आपको 2500 रुपये देने नहीं पड़ेंगे। तो 2500 रुपये हमारे को सिर्फ स्टार्टिंग में ही देने लगवाते टाइम, जो कि इंस्टॉलेशन चार्ज होता है 1000 का 1000 रिफंडेबल होता है, और 500 रुपये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो बट यही सब चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा प्लान है, बेटर प्लान है, तो इसके आगे हम बढ़ सकते हैं। जैसे अगर हमारे को ज़्यादा इंटरटेन चाहिए, या और हाई स्पीड चाहिए, या डेटा और ज़्यादा हमारे को चाहिए, तो उसके अंदर भी प्लान फिर ज़्यादा है, 850 है, 1000 है, 1500 2000, यानी कि हमारे को 10000 तक का प्लान मिलेगा। जो 10000 का प्लान है, तो उसके अंदर अभी तक ये मुझे पता चला है कि जो LED वगैरह है वो भी हमारे को मिलेगी वो LED, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। 10000 में कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से तो कोई बुरा नहीं है यार, जो अगर पुराने TV वगैरह चलाते हैं तो पुराने TV हटाओ और नए TV लगाओ यार 10000 में, जस्ट यार 2019 चल रहा है, ये देश बदलो। तो काफ़ी हम मज़ा उठाने वाले हैं हम इस प्लान का, तो यही सब बताने के लिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा आपको। तो यार, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन दबा दो यार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी मौका दो जाने का, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।